नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बुधवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। रीवा के सिरमौर में सपा के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश ने कहा, अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए, मगर सवाल ये कि क्या एमपी में दौड़ेगी सपा की साइकिल, क्या यूपी में डूबी लुटिया मगर एमपी में होगा कमाल। एमपी के जरिए अखिलेश बना रहे कांग्रेस पर दबाव, कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी एसपी और कांग्रेस, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी पहले ही 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में रंग जमा रहे हैं। चर्चा ये कि अखिलेश उत्तर प्रदेश को लेकर इंडिया गठबंधन पर अपना दबाव बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर कोई बात शुरू नहीं हुई है, या यूं कहें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन के पहले दूसरे राज्यों में सीटों को लेकर कांग्रेस की दरियादिली भी देखना चाहते हैं। निशाने भले ही बीजेपी पर अखिलेश यादव लगा रहे हों, मगर संकेत कांग्रेस को दे रहे हैं। जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें, और 33% वो हो जो उनकी कार्यकर्ता हो, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहने हो। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लाडली योजना का विस्तार हो रहा है, उसमें धन भी बढ़ाया जा रहा है। समाजवादियों का मानना है कि 1,000, 1,500, 2,000 से काम चलने वाला नहीं है हमारी माताओं बहनों का, और खासकर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग भी है और हम अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे कि यहां की माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6,000 रुपया मिलना चाहिए। ये सवाल कर सकते हैं लोग कि 6,000 कैसे दूंगे आप, जब आप रजिस्ट्री में 1% ले रहे हैं रजिस्ट्री कराने में। हमारे प्रदेश में तो रजिस्ट्री फ्री, मानिए नई योजना आ रही है, आपके अगर ब्लड रिलेशन में कोई है तो मामूली पैसा लगता है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तो हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। इस परिवर्तन में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनाव लड़ेगी। पहले से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। वैसे आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कभी मध्य प्रदेश में मजबूत थी तो एक बार विधानसभा की 7 सीटें जीत चुकी है और अखिलेश यादव राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के लिए बेचैन हैं, इसलिए वे कई राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी से सीटों को लेकर कोई बातचीत खुले तौर पर सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनावी अभियान कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी लगातार
समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वहीं भाजपाई मध्य प्रदेश में सियासी रण में सपा की साइकिल की रेस को देखकर कटाक्ष कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी साहब मध्य प्रदेश आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने के लिए कि वो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़े। अब आप ये बताइए कि एक तरफ तो ये लोग बात करते हैं इंडी गठबंधन की, तो जब कांग्रेस यहाँ पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो अखिलेश यादव टिकट किसको बांटेंगे? कांग्रेस के खिलाफ बांटेंगे, स्वाभाविक बात है। तो ये मैं जो बात शुरू से कहता हूँ ना कि ये इंडी गठबंधन नाम का कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो एक आई वॉश है, ये एक गिमिक है और मीडिया हेडलाइन हंटिंग है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी को भी काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी का किला भेदने के लिए सपा भी विंद के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि सपा की रफ्तार कांग्रेस को रास आएगी, इसके आसार कम ही लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लगातार देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश पहुंचे और सभाएं कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक तिवारी, समाजवादी पार्टी के नेता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दयाराम भार्गव, सुभाषपा नेता। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अशोक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी, अखिलेश यादव अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं और लगातार वो सवाल ये उठा रहे हैं कि जो महिला आरक्षण बिल आप लेकर आए थे उसमें 33% महिलाओं के आरक्षण की आपने बात की थी, तो क्या मध्य प्रदेश में 33% महिलाओं को वोट मिलेगा सीटों पर? आप टिकट देंगे? देखिए, जब चुनाव की बात चल रही है, अखिलेश यादव जी अब जागकर मैदान में उतर आए, अच्छी बात है। मैं तो बधाई दूंगा कि अखिलेश जी सुबह उठना सीख गए। आपने जो बात करी सीटों की, देखिए सीटों की बात तो यह है कि महिलाओं की जो सीटें अनुबंध है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे जितने प्रदेश है या केंद्र में सबसे ज्यादा का सीट महिला होती है। तो समस्या उन पार्टियों के लिए खड़ी हो गई है कि महिला कैंडिडेट के लिए क्या तैयारी और क्या करेंगे, क्योंकि ये जो ओबीसी और जो ये आरक्षण को लेकर जो उलझाने में लगे। अखिलेश यादव का कहना है कि 20% हम दे रहे हैं सीट। क्यों 20% दे रहे हैं? आज आपको याद आ रही है, इससे पहले महिलाएं कहां थी? उससे मतलब सिर्फ परिवार ही था। बात चीजों में बहुत कुछ है। आप बोल तो रहे हो मंच पे, क्योंकि आपसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। अगर जनता का सवाल कर, अगर जनता को माइक दे दीजिए और अखिलेश जी से अगर सवाल शुरू कर देना तो 2 दिन बीत जाएंगे, अखिलेश जी जवाब नहीं दे पाएंगे चीज का। हेलीकॉप्टर सबसे पहले प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के कांग्रेस भी सामने, अब तो अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। मैं तो देखिए, मध्य प्रदेश की जनता पहले अखिलेश यादव जी से पूछेगी कि आप किस आधार पर मध्य प्रदेश आए, आपका क्या जनाधार है? 7 विधायक वहां पर जीत चुके हैं सर। सर मैं वही तो चीज आ रहा हूँ कि 7 विधायक उनके जीत चुके हैं, तो 7 विधायकों की उन्नति भी तो बताएंगे कि प्रदेश के विकास के लिए, विकसित के लिए क्या करा। तो रिपोर्ट कार्ड तो देंगे ना अपने जितने विधायक जीते उनके विधानसभा क्षेत्र का। वो तो तमाम आरोप शिवराज सरकार पर लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आपके यहाँ रजिस्ट्री बहुत महंगी है, आप महिलाओं को जो 1500 रुपए देते हैं, समाजवादी पार्टी ने आगे चलकर 6000 रुपए की बता रहे हैं, 50 कमियां गिरा रहे हैं शिवराज सरकार की। जिस समाजवादी पार्टी ने जिस प्रदेश के अंदर अपनी जन्मभूमि बनाई, शुरुआत करी, वहां गरीबों को अछूत सदैव समझा, वहां कभी गरीब को छत और जल और कभी बिजली की बात नहीं कही, वहां वोट बैंक के खातिर वहां बड़े बड़े बड़बोलापन दिखा रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि हमने 7 विधायक चुनके भेजा और 7 विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये काम करके दिखाया, बहुत बड़ी उन्नति का 7 विधायकों ने। आप एलिगेशन मत लगाइए, आप बताइए आपने क्या दिया मध्य प्रदेश को आपके 7 विधायकों ने? प्रदीप जी, लेकिन सवाल उनका ये, उनका साफ तौर पर कहना है कि आपने 33% आरक्षण की बात की महिला बिल में,
आरक्षण बिल में। हाँ, तो आप क्या 33% सीटों की जो आप बंटवारा करेंगे विधानसभा की उसमें महिलाओं को देंगे, सवाल ये है। नहीं तो आपने जो सामने लेकर आए वो एक दोनों ने बताया कि आडंबर है सब। मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव बेचारे सवाल 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 तो करते सुनते नहीं है। इनका भी हाल राहुल जी जैसा है। आप देखिए कि जिस प्रदेश के अंदर वो खड़े हैं उस प्रदेश से ही आदिवासी जो है राष्ट्रपति बने, उसी प्रदेश से एक नहीं 5-6 महिलाएं आदिवासी क्षेत्र से राज्यसभा लोकसभा सांसद बनी है। डाटा उठा के पढ़ लेना चाहिए पहले, प्रदेश किस प्रदेश में गए हो आप स्पीच देने के लिए। मंडला कभी नाम नहीं सुनाऊंगा अखिलेश यादव जी ने कि मंडला कहां पड़ता है। वहां की पिछड़ी दलित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मामा की सरकार ने 15 साल में जनता को छला, खासकर आदिवासी महिलाओं की बात। मुझे तो ये बता दें कि बाप बेटे की सरकार ने यूपी में क्या दिया, केवल ये दिया कि तारों पे कपड़े सुखाइए आप, ये दिया कि 5,000 रुपए जो सर मैं थोड़ा सा पूरा कर रहा हूँ, आपने 5,000 रुपए मेंटेनेंस स्कूल के दिए कि 5,000 में तो सफाई करा लो, पुताई करा लो, पंखे लगवा लो, दरी बिछा लो। आज शिक्षा में प्रदेश पीछे क्यों रह गया? आप पे जवाब नहीं है, सवाल करने आते हैं बस केवल, और सवालों से पूछो तो जवाब देने नहीं आते। मैं जितने सवाल उठाए, अगर हिम्मत है तितर बितर ना भाग के समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जो बैठे सीधा सीधा वार्तालाप करें, तितर बितर ना भाग के कि हमने प्रदेश के विकास के लिए 4 चांद लगा दिए। ठीक है, ये डिबेट में जो मेरे साथ बैठे हैं वो कभी भी चीजों पे बात नहीं करेंगे, अभी तितर बितर साइडों में भागेंगे। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के नेता। दयाराम जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी आ रही है जी, बहुत बहुत। दयाराम जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव बस 2 महीने के अंदर होने वाले हैं और कुछ ही दिन के अंदर डेट आने वाली, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, सारी पार्टियां आप तत्परता दिखा रही हैं और इन चुनाव में जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। तो अगर छोड़ दिया जाए मिजोरम को छोड़कर, अगर तेलंगाना की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए और राजस्थान की बात की जाए, तो अखिलेश यादव उन सारे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी प्रमुखता यही है, खासकर वो ध्यान दे रहे हैं कि पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिले। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन का अलायंस जो इतनी तत्परता से वहां पर अग्रसर हो रहा है, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है? देखिए सुनील भाई, सुनील भाई, भारतीय समाज पार्टी एनडीए के गठबंधन में आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। स्वयं भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सीट पर कोई भी प्रत्याशी हो, हम लोग 80-80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। 2024 की बात कर रहा हूँ, अब बात आती है 2023 के जो 5 राज्यों के चुनाव का। देखिए इसमें सस्पेंस आप देख लीजिए कि जी अभी आप पीछे चले जाइए उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ था बागेश्वर का, उसी चुनाव पे आप देख लीजिए बागेश्वर में, वहाँ कांग्रेस भी लड़ी और समाजवादी पार्टी लड़ी, तो इनका कौन सा घमंडिया गठबंधन नहीं लड़े वो। सुनिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, हम वहाँ भी आ रहे हैं जो चीजें आप कहना चाह रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है हमारे घोसी में हमारे वो नहीं लड़े तो फिर वहां क्यों लड़े भाई। एनडीए के गठबंधन में जहां भी घटक दल उपचुनाव लड़ा कोई तो नहीं लड़ा ना, लेकिन जो ये घमंडिया गठबंधन इनका बना हुआ है ये वहां क्यों लड़े, प्रश्न वहां उठता है कि आप लड़े क्यों। अब बात आती है 5 राज्यों के चुनाव की, 5 राज्यों के चुनाव में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस महिला आरक्षण बिल की आज बात चल रही है सदन से लेकर के, ये लोग कह रहे हैं कि पिछड़ी जात को चाहिए, SC ST को चाहिए, माइनॉरिटी को चाहिए, तो भारतीय समाज पार्टी हमेशा स्वागत करती है किसी भी आरक्षण में वर्गीकरण हो, हम उसको तत्परता से करते हैं। लेकिन आप ये उठा के देख लीजिए इसी गठबंधन को ये लोग आज बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं सुनील भाई, लेकिन 1996 में जब देवेगौड़ा के नेतृत्व में ये बिल लाया गया था, यही जितने घमंडिया गठबंधन के यूपीए के अप्लाई जो लोग थे इन्होंने उनका विरोध क्यों किया था। ये लोग चाहते महिलाओं के जो आज 33% की बात करते हैं, सुनील भारतीय समाज पार्टी अनवरत 20 साल से 50% की बात करती है। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है, बताइए। अशोक जी सवाल मेरा आपसे यह है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बस सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए ये विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा का चुनाव है, इसमें पूरी इंडिया गठबंधन में एकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जो गठबंधन है
वो अपने तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर रहा है। कितनी कितनी सीटों पर सर, क्या क्या फॉर्मूला है? देखिए मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, ये विधानसभा फॉर्मूला बताइए ना, सीटों पर किस किस फॉर्मूले पे से कितनी सीट पर कहां से कौन से कहां से? देखिए फॉर्मूला इसमें देखिए लोकसभा का अलग फॉर्मूला है और विधानसभा का फॉर्मूला बता दीजिए सर। तो वो तो है, जहां जहां हमारा प्रभाव हो वहां वहां हमारी तैयारियां चल रही। नहीं, जहां से आप चुनाव लड़ेंगे वहां पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी, इसका मतलब फिर? नहीं बिल्कुल, ये तो अभी फाइनल हो जाएगा ना सारी चीजें आपके सामने। अरे सर प्रचार करने लगे आप, कह रहे फाइनल हो जाएगा, प्रचार किस बेसिस पे कर रहे हैं? जिस विधानसभा में जा रहे होंगे वहां एक तस्वीर तो होगी। देखिए समाजवादी पार्टी जहां जहां मजबूत है वहां वहां चुनाव। नाम बताइए सर, कहां कहां मजबूत है समाजवादी पार्टी? नाम की बात नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं कि जो है हम सारी सीटों में थोड़ी लड़ रहे हैं, जहां हमारा प्रभाव वहां कर रहे हैं। ये मतलब जिस सीट पर अगर समाजवादी पार्टी होगी वहां कांग्रेस नहीं होगी? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता नहीं सर, होगा कि नहीं होगा ये बताइए ना। नहीं अभी वो चीज फाइनल नहीं है तो मैं कैसे बता सकता। अरे सर कब फाइनल होगा सर? सब कुछ देखिए मैदान में है, चुनाव प्रचार करने लगे अखिलेश यादव, जाकर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, आप कह रहे फाइनल नहीं है सर? भाजपा अपनी अपनी हिसाब देखे कि आज वो कहां से कहां पहुंच गई है। अरे सर सवाल भाजपा का नहीं, सवाल इस बात का सर है कि आप किस आधार पर वोट मांगे वहां पर? जी, किस आधार पर वोट मांगेंगे आप मध्य प्रदेश में? ये आधार हमारा मजबूत है, जहाँ जहाँ हम जीतने की स्थिति में वहाँ वहाँ तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। अरे सर बताइए ना किस आधार पर वोट मांगेंगे? आधार हमारा स्पष्ट है, बताए तो समाजवादियों का आधार स्पष्ट है हमारा, जो है जो अपना फार्मूला है कि जो हमारा जनमानस में जिस तरीके से हमने काम किया है और जिस नहीं सर देखा गया था प्रीवियस इलेक्शन, अभी बाई इलेक्शन में देखा गया था बागेश्वर में कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा था उस पर और आपने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया था, दोनों लोगों में अनबन हो गई थी, तो असमंजस बनाता सर। जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम आईने की तरह साफ है, समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ वहाँ उसका आधार है, वहाँ वो जीतने के लिए कहाँ कहाँ समाजवादी पार्टी वहाँ तैयारी बता ही नहीं रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ, जरा नाम तो बता दीजिए, अभी तक नाम नहीं इनके पास आ पाए कि कहाँ कहाँ नाम का। देखिए सारी चीजें फाइनल होंगी, समय पर फाइनल होंगी। अरे सर समय बचा ही नहीं है सर, प्रचार करने आप पहुँच गए, आपको नाम फाइनल नहीं है सर? मध्य प्रदेश में भाजपा बुरी तरह हारने जा रही है, ठीक है वो सर इलेक्शन के बाद होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन सवाल सर इस बात का है, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं मामा पर, शिवराज सिंह चौहान पर, भारतीय जनता पार्टी पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे सर? नहीं आम जनता जो इसमें है भाई वो आपको नाम का नहीं पता, अखिलेश यादव जाकर मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे। वहाँ से हम जीतेंगे और लड़ेंगे, कांग्रेस आपका साथ देगी, कहीं ऐसा ना हो बागेश्वर की तरह वो कंडीशन। जी विधानसभा का चुनाव है, इसमें चिंता करने की भाजपा को जरूरत है? अरे विधानसभा का चुनाव, अगर विधानसभा में आप जिस कांग्रेस को कोसेंगे और फिर जाकर 24 में उसी आधार पर वोट मांगेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन है, सत्ता चलता है, सर आप खुद कंफ्यूज, आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी कहां पर सीट है, क्या हुआ कुछ हुआ, तस्वीर आप खुद उलझी हुई है सर आपकी। मैं आपको बता दूं घोसी चुनाव में क्या समर्थन नहीं मिला कांग्रेस का, घोसी में? अरे घोसी में कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया था कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, फिर इसलिए हुआ, बताइए मध्य प्रदेश में क्या खुल्ले हम बोल रहे हैं आप, बताइए ना पब्लिक डोमेन में क्या बोली आपने? देखिए आज को भाजपा को अपना आधार बचाना है, घुमा दिया आपने घोसी की बात की तो मैंने आपसे सवाल किया, घोसी में कांग्रेस ने साफ तौर पर बोला था कि अपना उम्मीदवार हम नहीं उतारेंगे, आप पर आपका सपोर्ट करेंगे, तो जरा बताइए मध्य प्रदेश में कहां पर ऐसा है? तो मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति है, मध्य प्रदेश नाम नहीं बताएंगे सर किस जगह का जीतने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है और कांग्रेस को मदद करने जा रही है एक तरह से सीटें जीत करके वहां पर, कांग्रेस पर दबाव बना रही है सीट देने के लिए, क्योंकि कांग्रेस बड़े बड़े स्तर पर है तो कांग्रेस को ही फायदा होगा जब समाजवादी पार्टी सीटें जीत कर देगी उसको। ठीक है मैं सर आपके पास आता हूँ, नवीन जी हमारे पास है, नवीन जी सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? नवीन सर आपने सुन लिया होगा सबको बहुत अच्छे, सवाल मेरा आपसे है कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है, अखिलेश यादव समाजवादी सुप्रीमो लगातार प्रचार वहां पर कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तस्वीर को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मायने लगाए जाएं, किस आधार पर वहां पर वोटों की ये श्रृंखला देखी जाएगी? लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से
बयान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, किन सीटों पर लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे, वो स्पष्ट उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है ये उनका एक बार्गेन करने का प्रयास भर है, उससे अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है, उनका जो भी आपस में कन्वर्सेशन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है। विधानसभाओं में कहीं कोई एग्रीमेंट है नहीं। ये हो सकता है अब कि सर, इसमें ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर लोकसभा के लिए एग्रीमेंट हुआ है तो विधानसभा में हम लोग कांग्रेस को कोसेंगे और फिर 24 में जाके गले लगा लेंगे। जी, वही चीज मैं कह रहा हूँ। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बसपा ने एक साइलेंट स्पेक्टेटर होके भाजपा की मदद की है, वही रोल समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में करने जा रही है। वो भाजपा की मदद करेगी कांग्रेस को रोकने, क्योंकि जो भी वोट आप देखेंगे समाजवादी पार्टी काटेगी तो कटेंगे किसके? कांग्रेस के। आपने बागेश्वर सीट में भी देखा है, जितने अंतर से कांग्रेस का कैंडिडेट आ रहा है, लगभग ही के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को मिले। तो ये स्पष्ट है कि वहां पर केवल अपनी एक ईगो सेटिस्फाइड करने वाली बात है, बेटर बार्गेन करने वाली बात है। और सपा कहेगी कि हम उत्तर प्रदेश में साहब 80 सीटों में से आपको इतनी देंगे या इतनी नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास आज की तारीख में लोकसभा में कोई खास अहमियत नहीं है। बसरते उनका प्रभाव विधानसभाओं में रहा है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखे हैं तो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस बसपा का था, गठबंधन में दोनों चुनाव लड़े थे। तो यहाँ जहाँ सवाल उठता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अगर मांगेगी तो 20 से 30 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकेगी। अब अगर अखिलेश जी एग्री नहीं करेंगे तब भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है लेकिन नवीन जी एक सवाल इसमें निकल कर आ रहा है, हम कांग्रेस की बात उत्तर प्रदेश में करना चाहें और कांग्रेस की बात करना चाहें मध्य प्रदेश में, तो बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी उत्तर प्रदेश में नहीं है। लिसन सुनील जी, आज की तारीख में अगर आप देखें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों को वहां चुनाव लड़वाने के लिए उतार रही है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नाम है, माननीय नरेंद्र सिंह गौर जैसे लोगों के नाम होता है, विधानसभा चुनाव उनको लड़वाने जा रही है, तो किसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है सर? जी। प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपकी पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम सांसद सीधी से उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा रही है, तो मतलब पार्टी मान चुकी है ना कि कांग्रेस एक स्ट्रांग फाइट देने जा रही है। सुनील जी, बात स्ट्रांग की नहीं है, बात है संगठन में कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री बन सकता है तो विधायक भी बन सकता है। संगठन की शालीनताएं चीजें दर्शानी चाहिए। लेकिन सर, कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा कि इतना बड़ा नेता होकर मैं आप जनता के बीच में जाके वोट मांगूंगा। कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं सर। सर कैलाश विजयवर्गीय सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेरी तरह, बहुत ये नहीं कि वो हमारे उन्होंने कहा सर। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने कहा जाकर जनता के बीच जाकर वोट मांगूंगा सर। बिल्कुल, उन्होंने अपनी इच्छा मतलब ना, उन्होंने कहा उनका इलेक्शन लड़ने का मन नहीं था, जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ेगा और पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में यही है कि कार्यकर्ता के रूप में आपको काम करना पड़ेगा और अगर संगठन जिम्मेदारी आपको चुनाव लड़वाने की देती है वो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसे कोई आपत्ति नहीं। सवाल मेरा प्रदीप जी यही तो है कि अगर सांसद को विधायक का इलेक्शन लड़वा देना, इतने बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को इलेक्शन विधानसभा का इलेक्शन लड़वा लेना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को जान चुकी है कि कांग्रेस स्ट्रांग है, टक्कर देने के लिए उनको बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान बताना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप इतने बड़े नेता आप कई बार बोल चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय विधायक थे और उनको संगठन कार्य के लिए राष्ट्रीय महामंत्री बना रखा था। नरेंद्र सिंह तोमर, वही आ रहा हूँ सर, वही आ रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर जी पहले भी रह चुके हैं, अभी भी दूसरे टर्म में, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि आप इस चुनाव में अगर अपना जोर आजमाइए, विधानसभा में दिखाइए कार्यकर्ता के रूप में। अच्छा, सांसद होने के बाद आप विधायक का चुनाव लड़, सीधी की जो सांसद सुनील जी, मुझे आप सुनील जी मुझे बताइए क्या सीधी से हमेशा बुधनी से तो हमेशा से जो लड़ते आ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री मामा लड़ते आ रहे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सर सीधी की बात करना चाहूंगा, सीधी की सांसद को विधानसभा चुनाव के लड़ाया जा रहा है।
कि संगठन ने कुछ करा है फेरबदल, तो सोच समझ के वही तो मैं बोल रहा हूँ, संगठन ने फेरबदल इसलिए किया है ना कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस स्ट्रांग है। देखिए सर, ऐसा है कांग्रेस स्ट्रांग है ना स्ट्रांग की बात चीज नहीं है। अगर इतने भारी भरकम वर्ष तक बहुत बड़े लंबे कार्यकाल तक भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय चौहान साहब के नेतृत्व में वहाँ चुनाव भी लड़ा और लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी बने, ये सबसे बड़ी उपलब्धि और चीजें हैं। और रही चुनाव को, देखिए अगर चुनाव का रण है तो रण के तरह से लड़ना चाहिए चुनाव। मगर कुछ भी कहने वाले कहते रहते, कोई तक नहीं है, मगर आप इस चीज को तो थोड़ा सा देखिए ना, आप थोड़ा सा अगर जाएंगे, क्या किसी का विरोधाभ्यास आया कि मैं केंद्रीय मंत्री रह के और मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ? अगर कोई आया हो तो मुझे बताया मीडिया के माध्यम से। यही एक कार्यकर्ता की शालीनता है और ये कार्यकर्ता के वो है। चलिए सर, देखेंगे, विधानसभा चुनाव बिल्कुल दहलीज पर हैं और अब कुछ ही दिनों में 2 महीने के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए, प्रदीप जी आपका, अशोक जी आपका, दयाराम जी आपका और नवीन जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश में एक्टिव है विधानसभा चुनाव को लेकर, अब आगे चलकर क्या कुछ निकल कर आता है? क्या कांग्रेस उनको सीटों के लिए आगे उनकी बॉन्डिंग बन पाती है या अखिलेश यादव कांग्रेस के विपक्ष में चुनावी मैदान में होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।